दोस्तों आपका ट्रैवलर इन फॉरेन ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम भगवद गीता के बारे में और उनसे जुड़े कुछ लाभ जो हमारे दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल होते हैं उनके विषय में जानेंगे। दोस्तों जुग जुग से धर्म ग्रंथों ने मनुष्य को जीवन की हर पहलू में कैसे सटीक निर्णय लेना होता है यह सिखाते आ रहे हैं। हम जो भी धर्म को मानते हैं उसी धर्म के धर्म ग्रंथों के अनुसार हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों भगवद गीता श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए ज्ञान वाणी जरूर हैं, लेकिन उसकी महानता और उसकी व्यक्ति सिर्फ युद्ध की रणनीति में लिए गए निर्णयों पर ही लागू नहीं होते। यह हमारी जीवन की हर पहलू को छूते हुए मनुष्य जीवन की सटीक दिशा रचना करती है। दोस्तों भगवद गीता युग युग से मनुष्य की जीवन की हर विषय पर लागू होता आ रहा है। दोस्तों भविष्य में भी यह उतना ही कारगर तरीके से लागू होता रहेगा। दोस्तों भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं और यह कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग इस तीन मार्गों में बटा हुआ है और सभी मार्ग में कुल 6 अध्याय आते हैं। भगवद गीता को आज तक दुनिया में 80 से ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद किया गया है तो इसकी महानता का प्रमाण देती है। दोस्तों आज हम उससे जुड़ी कुछ बातें जो हमें अपने दैनिक जीवन में उनका अनुसरण करना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों भगवद गीता के अनुसार जो भी हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है, जो भी हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तुमने क्या खो दिया कि तुम रो रहे हो? तुम अपने साथ क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या सृष्टि किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो पाया है यहीं से पाया है, जो भी दिया है यहीं पर दिया है। तुम आज जो भी काम कर रहे हो वह कल किसी और का था और आने वाले समय में किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। दोस्तों इनके अनमोल वचन जो हमारे जीवन में हमेशा लागू होते हैं। दोस्तों उनसे जुड़े कुछ फायदे जो मैं जरूर बताना चाहूँगा भगवद गीता के बारे में। श्रीमद् भगवद गीता से आप जीवन की हर पहलू और परिस्थिति में कैसे सटीक निर्णय लिया जाए इसका ज्ञान लाभ कर सकते हैं। दोस्तों ज्ञान दान करने के साथ साथ इस ज्ञानों को कैसे आप अपने जीवन में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें वह भी आप जान सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में खुद की जीवन और व्यवहार की असली अर्थों को आप समझ सकते हैं। खुद के साथ साथ भगवद गीता इस सृष्टि की हर नियमों के साथ साथ आपको वाकिफ कराता है। दोस्तों आज तक जितने भी वैदिक धर्म ग्रंथ रचना किया गया है उस सभी धर्म ग्रंथों का निचोड़ और सारांश है भगवद गीता, इसलिए इसका महानता को शब्द में कहा नहीं जा सकता, जो सिर्फ इसकी बारे में हम महसूस कर सकते हैं। मैं दोस्तों आपको भगवद गीता से संबंधित कुछ प्रमुख अध्याय के बारे में जरूर बताना चाहूँगा। जैसे दोस्तों उनमें कई अध्याय हैं, उसके प्रथम अध्याय में
दोस्तों, प्रथम अध्याय में दोनों सेनाओं का वर्णन किया गया है। शंख बजाने के पश्चात अर्जुन सेना को दिखाने के लिए रथ को सेनाओं के मध्य ले जाने के लिए कृष्ण से कहता है। तब मोह युक्त हो अर्जुन कायरता तथा सुख युक्त वचन कहते हैं। दोस्तों, दूसरे अध्याय में अर्जुन की कायरता के विषय में अर्जुन कृष्ण संवाद है। संख्या योग, कर्म योग, स्थिर बुद्धि व्यक्ति के गुण अंकित हैं। दोस्तों, तीसरे अध्याय में नित्य कर्म करने वाले की श्रेष्ठता, यज्ञादि कर्मों की आवश्यकता, अज्ञानी और ज्ञानी के लक्षण, काम के निरोध का विषय अंकित है। दोस्तों, चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं कि सबसे पहले मैंने यह ज्ञान भगवान सूर्य को दिया था। सूर्य के पश्चात गुरु परंपरा द्वारा आगे बढ़ा, किंतु जब यह लुप्त प्राय हो गया है, अब वही ज्ञान मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। अर्जुन कहते हैं कि आपका तो जन्म हाल में ही हुआ है, तो आपने यह सूर्य से कैसे कहा? तब श्री भगवान ने कहा कि तेरे और मेरे अनेक जन्म हुए, लेकिन तुम्हें याद नहीं, पर मुझे याद है। दोस्तों, उनकी कही एक श्लोक जो आपको याद होगी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भारवते भारत में, उन्होंने कहा है, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूँ। दोस्तों, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में मानव के रूप में अवतार लेता हूँ। ये वचन थे भगवान श्री कृष्ण के। इसमें कुछ और चीज़ें जो अंकित थीं चौथे अध्याय में, जैसे कर्म, अकर्म, विकर्म का वर्णन, यज्ञों के रूप, ज्ञान यज्ञान का वर्णन भी इसमें दिया हुआ है। दोस्तों, अगर आप पांचवे अध्याय को पढ़ें, उसमें ज्ञानी महापुरुष, विद्या, विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं, जिसके बारे में वर्णन किया गया है। दोस्तों, छठा अध्याय आत्मसंयम योग है, जिसका विषय नाम से ही प्रकट है। जितने विषय हैं, उन सभी इंद्रियों का संयम, यही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। सुख में और दुख में मन की समान स्थिति, इसे ही योग कहते हैं। इसके बारे में दोस्तों छठे अध्याय में आपको वर्णन मिलेगा। दोस्तों, सातवें अध्याय में पंच तत्व मन बुद्धि भी मैं हूँ, मैं ही संसार की उत्पत्ति करता हूँ और विनाश भी मैं ही करता हूँ। मेरे भक्त चाहे जिस प्रकार भजे, परंतु अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। मैं योग माया में अप्रकट रहता हूँ और मूर्ख मुझे केवल साधारण मनुष्य ही समझते हैं। दोस्तों, इनमें से कई धारणा हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होंगे, जिनमें से कि मैंने आपको अधिक से अधिक बताने की कोशिश की है।
आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।